आज का हमारा विषय है वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण होता है जिससे ज़्यादातर वायु प्रदूषण पेड़ों की कटाई से होती है। पेड़ों की ज़्यादातर कटाई होती है जिससे कि वायु की मौसम की दशाएं बन नहीं पाती है, तो वर्षा कहाँ से होगी? अगर वर्षा नहीं होगी तो हमारी फसलें कहाँ से आएगी? इस पर आपकी क्या राय है? सड़कों इत्यादि पर आप कचरा फैलाते हैं, उसको डस्टबिन में डाल दिया जा सकता है, जिससे कि हमारी सड़क साफ रहेगी, वायु प्रदूषण भी कम हो जाएगी। गाड़ी जैसे इत्यादि जैसे उपयोग करते हैं जिससे धुआं धक्कर निकलती है, जिससे हमारे पर्यावरण प्रदूषित होती है। लोग यहाँ का कचरा फेंक रहे हैं और कम समय में अच्छे दूरी तय करने के लिए वाहनों का उपयोग किया जा रहा है। घर से कुछ भी दूरी पर जानी रहती है, फिर भी लोग अपने कार या बाइक इस्तेमाल करते हैं जिससे धुआं निकलने लगते हैं। हम पैदल भी स्टेशन पर जा सकते हैं, साइकिल से भी जा सकते हैं, इससे हमारे साथ उससे रहिए पर्यावरण प्रदूषण फिर बना रहेगा। आगे ये सब बनाया गया है लोगों की सुविधाओं के लिए ना, लोग अपनी सुविधा के लिए इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो लोगों के स्वास्थ्य बिगड़ तो रही है से वो अपने सुख स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, लेकिन आपकी सुविधा की वजह से लाभ रहा है। लेकिन आपके लिए हम लोग घरों में ऐसी फ्रिज यूज करते हैं जिससे निकलने वाली क्लोरीन और गैस हमारी ग्रीन हाउस पर प्रभाव डालती है। आप उसके जगह पर फैन इत्यादि भी यूज कर सकते हैं, लेकिन उस समय जो आराम देता है, भारी तापमान से बचाता तो है। सूरज की पढ़ाई के दिनों में बढ़ती हुई लोग तापमान रात को देती है। प्रति वर्ष 1% पर तापमान सूर्य की तापमान बढ़ती है। सूरज की बर्फबारी से धरती पर आने में लाखों हाइड्रोजन जल पेचल बन जाते हैं, आपको पता है। इतिहास के दिवस के तिरस्थाई पहाड़ में जो बर्फ मोटी आवाज से ढके रहते हैं, वो सूर्य की बराबरी के पेड़ पड़ने से प्रतिदिन गलता जा रहा है। हम लोग अगर एसी कूलर फ्रिज अगर नहीं यूज करेंगे, यूज उसका उपयोग कम कर देंगे, फैन यूज करें, कूलर यूज करें, तो कुछ कंट्रोल किया जा सकता है। मगर आज की जनसंख्या जो है, आज के लोग पहले की तरह उतने मजबूत नहीं रहे हैं। आज आजकल लोग खेतों में उर्वरा करते हैं, सब दूर किए जा रहे हैं, उससे हानिकारक हो रहा है। खेतों में जो शेष आप लोग जला देते हैं, उस शेष को जलाने से हमारे मिट्टी की उर्वरा क्षमता कम हो जाती है, मिट्टी उपजाऊ नहीं रह जाती है, तो उसे खेत में क्यों जलाते हैं? समय बचत के लिए फसलों के अवशेषों को अपने समय की बचत के लिए अपने देश का भविष्य खतरे में डालना संभव नहीं है।